वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखते आम ओटेट रेडा को क्वेश्चन डिस्कसन करुचे, बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज भी आम डिस्कसन करवा पूर्व आपड़ी प्रथम थर चैनल को भिजिट कर निश्चिंत सब्सक्राइब करनी, पाखे बेल आइकन को प्रेस करनी, जहाँफल कि भिडर प्रथम नोटिफिकेशन आपरे पहुँच पार। तो चलो देखिए आज प्रथम क्वेश्चन कौन रही है ना, आम राज्यर शिक्षक मानों पर विभिन्न प्रकार व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था करुवा संस्था होउछि डैश एनसीटीई, ओपेपा, ईएलटीआई ना टीई एंड एससीईआरटी। देखु ये क्वेश्चन टाइम आपण मानी छाड़देली, आपण मैंने निजे सर्च करूँ एवं निजे आपण कमेंट्स दिंतु। ठीक अच्छे, मु क्वेश्चन पचारे बहुत पिला देखते वीडियो बट क्वेश्चन आंसर दिंती ना, तो चेष्टा करूँ निजे खोजिकना निजे आंसर देवा को, जहाद्वारा कि आप निजे जदि गोटे जिनस कौन से जिनस खोजुं तो से क्वेश्चन रिलेटेड आप बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आपण को मिल जाव। आप क्वेश्चन आंसर आप मन रही जी निजे खोजिक ना कमेंट्स लिखुं। ठीक अच्छे, तो मुझे एनसीटीई रो फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ओपेपार फुल फॉर्म कहीदे ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, जोटा कि आपण 1996 मसीह गठन करा कौन पर गठन करा, आमर जो प्रारंभिक शिक्षा रही तार किपर सार्वजनीनकरण होगी यहाँ गठन कर 1996 मसीह। सेमती ईएलटीआई रो फुल फॉर्म हूँ कौन ना, आपणकर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सेमती टीई एंड एससीईआरटी रो फुल फॉर्म भी मुझे टीई को आम डीटीई बोली कही था। तो आर फुल फॉर्म कौन ना, डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक अच्छे, तो यही प्रथम कौन होता ना, प्रथम यहाँ कार्य करूला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बा एस आई ई रूप। ठीक अच्छे, किए ना डीटी एंड एससीईआरटी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रूप से कार्य करूला 1964 मसीह। ठीक अच्छे, तापर एटा को एससीईआरटी रूपे केबे कार्य कला 1978 रे, मन रखिए एससीईआरटी रूपे 1978 रे कार्य करा गला। तापर 1990 रे आकु टीई बा डीटीई एंड एससीईआरटी नाम रे नामित करा जाइतला 1990 रे। एति कथा आपण एथरो मन रखिए, तो आर राइट आंसर कोन होबा आपण कमेंट सेक्शन रे जणा दो। सेमती दुई नंबर क्वेश्चन आसला, निम्नलिखित गुड़िक मध्य केउंटी नकारात्मक पुनर्बलन उदाहरण। तो पुनर्बलन दि प्रकार गोटे सकारात्मक गोटे नकारात्मक, तो ये नकारात्मक कौन भल खूब भल ठीक अच्छे ना विरक्ति प्रकाश, तो ये आपने जापे तो विरक्ति प्रकाश ये गोटे नेगेटिव। ठीक अच्छे, सेटा हला आमर नकारात्मक पुनर्बलन। सेमती देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजत्न प्रमाद तत्वर प्रवर्तक किए, ईएल थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, बीएफ स्किनर ना कोहलर। तो राइट आंसर कौन हम आपर थॉर्नडाइक, यहाँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक बहुत थर क्वेश्चन आसी। सेमती अभिवृद्धि होउछि डैश गुणात्मक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया ना आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया। तो राइट आंसर कौन हम आपर सरी जैविक प्रक्रिया। ठीक अच्छे, अभिवृद्धि होउछि आपर जैविक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, निम्नोक्त मध्य केउंटी समापन प्रश्नर उदाहरण, 2, 4, 6, 8 डैश ना ओडिशार सूर्य मंदिर केउंठे अच्छी ना, मरुड़ीर पांचटी फलाफल लेख ना, सिपाही विद्रोह कारण वर्णना कर। तो आपण मैंने मन रखिए समापन प्रश्न कहले आपणकर शून्य स्थान पूरण कर जो क्वेश्चन आसे से आपणकर समापन प्रश्न जोटा कि डैश पूरण प्रश्न। तेल ये अप्सन रेट देखिपे ये डैश अच्छे, तो यहीटा हूँ गोटे समापन प्रश्न। ठीक अच्छे, तो यहाँ गोटे सटट्रिक मन रखिए डैश पूरण जो शून्य स्थान पूरण कर, तो सहीटा हूँ समापन प्रश्न कह जाए। ताप देखो गोटे श्रेणी में प्रवेश कला बेले क्यों प्रकार मूल्यायन कर, तो गोटे श्रेणी में आपड़ जो एंट्री करूँ तो से आपण को व्यवस्थान मूल्यायन करर आप सिटी बीडी फास्ट एंट्रान्स दौर जाए कोर्सटा करूँ, तो से एंट्रान्सटा आपणकर हम गोटे प्रकार व्यवस्थान मूल्यायन। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपणकर देखा कौन रही, असाधारण बुद्धिसंपन्न पिला बुद्धियां परिमाण के आई क्यू टेबुल मुझे बहुत थर से मन रखुद 120 रु 140 ना 140 रु ताठारु अधिक ना 110 रु 120 ना 90 रु 110। तो राइट आंसर हम 140 और ताठारु अधिक जरा आई क्यू लेवल कह असाधारण बुद्धिसंपन्न पिला।
प्राय केते वर्ष बयस हेले शिशु अस्पष्ट एवं खंडित भाव में केतेक कथा कही पारे एक वर्ष दुई वर्ष तीन वर्ष ना चार वर्ष तो राइट आंसर आर कौन हम ना तीन वर्ष बयस हेले शिशु अस्पष्ट एवं कौन एवं खंडित भाव में केते कथा कही पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो शिक्षक वस्तु को बारंबार अभ्यास करने दरकार यह क्यों शिक्षण उपर आधारित प्रजन्न प्रमाद अंतर्दृष्टि सापेक्ष प्रतिवर्तन अनुबंध तो राइट आंसर आरो सापेक्ष प्रतिवर्त हेबो। ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु प्रसंग कहिले आमे कौन बुझू पाठर नाम विषय वस्तु पाठर थे प्रत्यय ना पाठर क्रमिकता तो राइट आंसर हम आपणकर पाठर नाम। ठीक अछि प्रसंग कहिले आमे पाठर नाम को बुझी थाउ तो देखु आपणकर ए जो 9 नंबर क्वेश्चन रही शिक्षक वस्तु को बारंबार अभ्यास करिबा दरकार देखु आर जो राइट आंसर कौन हम यहाँ आपण निजे कमेंट सेक्शन जनातु प्रजत्न प्रमाद ना सापेक्ष प्रतिवर्त। ठीक अच्छे ये दुटा भितर आप राइट आंसर कौन हम तो सेटा आप निश्चिंत कमेंट्स कर जनातु आपण बुक्रे कि सापेक्ष प्रतिवर्त दे तो ये प्रजत्न प्रमाद सापेक्ष प्रतिवर्त भितर आंसर कौन आपण मैंने निश्चिंत कमेंट्स कर जनातु प्रसंग कहिले पाठर नाम को बुझा जाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्रीक दार्शनिक आरिस्टोटल मनोविज्ञान को क्यों विज्ञान कहते मन संपर्क विज्ञान ना चेतन संपर्क विज्ञान ना आत्मा संपर्क विज्ञान ना आचरण संपर्क विज्ञान तो राइट आंसर कौन हम ना ग्रीक दार्शनिक आरिस्टोटल मनोविज्ञान को आत्मा संपर्क विज्ञान बोली कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नोक्त मध्य क्योंटी बाहिक अभिप्रेरणा विवेचना बाहिक अभिप्रेरणा बोली विवेचना करा जाए क्षुधा तृष्णा पुरस्कार कृति अभिप्रेरणा होची दी प्रकार गोटे बाहिक गोटे आभ्यंतरण तो क्षुधा बा तृषा एगुटा सब आभ्यंतरण जीव तो पुरस्कार होची गोटे बाहिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आसला 13 नंबर आद्य बाल्यावस्था क्यों समय को कहा जाए दुई रु छ वर्ष छ रु दस बा बार वर्ष दस बा बार रु दस बा बार रु तेर बा चौदह वर्ष ना तेर बा चौदह रु अठर वर्ष तो राइट आंसर कौन हम आद्य बाल्यावस्था हूँ आप दुई रु छ वर्ष तो जन्म रु दुई वर्ष को आम शैशव अवस्था कही था दुई रु छ वर्ष को आम आद्य बाल्यावस्था कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन सी विषय रे वस्तुनिष्ठ तथ्य संग्रह निम्ते शिक्षक क्यों पद्धति अवलंबन करी परीक्षण साक्षात्कार व्यक्ति अध्ययन ना पर्यवेक्षण तो यार राइट आंसर कौन हम ना साक्षात्कार। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निजर सफलतार शिक्षार्थी निजर क्यों आवेगटी प्रकाश करें कौतूहल प्रेम आनंद ना अनुराग तो राइट आंसर कौन हम जदि जन शिक्षार्थी सफल है तो सी आनंद आनंद हूँ गोटे आवेग से ही आवेगटे से प्रकाश करें तो ये थी आपणकर इम्पोर्टाट 15 क्वेश्चन तो ये मुझर मानने कौन ये आप गाइड रू आपको डिस्कसन करुच्छे तो मन रखिए आप गाइड में बहुत सारा भूल आंसर भी दे तो से लगे मुझे कहली कौटा ठीक आंसर ये क्वेश्चन रौ नंबर क्वेश्चन रहा आप कमेंट्स कर जनातु आपण गोटे क्वेश्चन मुझे छाड़ी एक नंबर क्वेश्चन तो सहीटा आप कमेंट्स कर जनातु। ठीक अच्छे बुक जहाँ देखू ब्लाइंडली से गुड़ाक मुखस्त करूँ ना कौ आंसर ठीक कौ आंसर भूल निजे सब जिन सर्च करूँ एवं सब जिन जानतु करेक्ट आंसर कौटा। ठीक अच्छे तो ये आप आज 15 क्वेश्चन नेक्स्ट भिडियो में आम आउ 15 क्वेश्चन डिस्कसन करवा तो जिते अधिक रु अधिक पिला जोड़ी हे आम रेगुलाली क्लास करवा तो आज ये आपड़ोटी जदि मानने हेल्पफुल लगुता है तो निश्चिंत सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।